अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 के जो डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर के एंड पे 17 और 18 उसको मैंने आज डिस्कस करना है। बोर्ड में देर हो सकते हैं, इसे कर लेना चाहते हैं। सेकंड ईयर में डायग्राम और न्यूमेरिकल आते हैं, फर्स्ट ईयर में भी अवेयर हो सकते हैं। 17 जो न्यूमेरिकल है उसमें उसने कहा है कि स्फेरिकल गोल है, ठीक है, इसको हमने 5 सेंटीमीटर ऊंची इतना ईंट पड़ी है इसके ऊपर से हमने गुजारा है, तो हमने ये बताने कि हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ इसके ऊपर से मूव कर दे, यानी हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है इसके लिए। हम स्फेरिकल बॉल को इस 5 सेंटीमीटर की ब्रिक के ऊपर से कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ क्या करवा लेंगे, मूव। अब फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं इस डायग्राम को मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आप ये देखिए इस डायग्राम को मैं मजीद एक्सप्लेन इस तरह करूँ कि आप देखेंगे मैं यहाँ से इस सेंटर वाले पॉइंट में ओ कह देता हूँ और इसको मैंने ए कह दिया, मैं फोर्स अमल कर रही है। जो स्फीयर है उसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अब फोर्स जो है ना यहाँ पे सेंटर में करके अमल कर रही है और ये हमारा सेंटर पॉइंट है और ये इसका सरफेस है। सरफेस और सेंटर के दरमियान में फोर्स अमल हमने करवानी है, तो बेसिकली 20 सेंटीमीटर टोटल है, तो सेंटर कितना फिर पार्ट के बराबर होगा 10 सेंटीमीटर। अब आप देखें मैं अगर पॉइंट सेंटर वाले पॉइंट की लाइन ड्रा करता हूँ ये ब्रिक तक, तो 20 सेंटीमीटर की होगी क्योंकि रेडियस जहाँ मर्जी लाइन ड्रा करो 20 सेंटीमीटर ही आएगा। और यहाँ से एक सेंटर में लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ तक, तो आप ये देखें ये मैं पॉइंट डी कह रहा हूँ, पॉइंट डी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी ईंट की, तो लगातार डी से लेके यहाँ तक जो फासला होगा वो ये पॉइंट में ई कह रहा हूँ, डी ई 5 सेंटीमीटर, तो बाकी किसके बराबर होगा 15। मैं टोटल यहाँ सेंटर से लेके ये नीचे वाले सरफेस तक भी लेंथ कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, लेकिन जो दरमियान में पॉइंट डी ले लो, पॉइंट डी का ई से फासला 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि डी का ई से फासला इस ईंट की विड्थ के बराबर है, तो बाकी जो लेंथ है वो कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट ई पे वेट की फोर्स अमल कर रही है डाउनवर्ड, वो किसके बराबर है, वेट उसने हमें बताया 50 न्यूटन। अब यहाँ पे हमने ये वाली फोर्स कैलकुलेट कर, अब आप ये देखें इस वाले स्फीयर के ऊपर दो टॉर्क अमल कर रहे हैं, एक इस वेट की वजह से वो कौन सा होगा क्लॉकवाइज और एक फोर्स की वजह से इसे किस तरह घुमाना चाह रही है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ जो वेट वाली फोर्स है उसके लिए मोमेंट आर्म इसके बराबर होगा सी डी के बराबर होगा क्योंकि हमने इस ईंट के अबाउट रोटेट करवाना है, और ये जो फोर्स है इसके लिए मोमेंट आर्म होगा पॉइंट ए से लेके सी तक फासला या ए से हम बी तक कह सकते हैं बाद ए की, तो हमने कांस्टेंट स्पीड के साथ इस स्फीयर को इस ईंट के ऊपर से मूव करवाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि क्लॉकवाइज टॉर्क इसके बराबर होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क यहाँ पे वेट की वजह से हम किसके बराबर होगा, वेट इनटू इट्स मोमेंट आर्म जो कि हमारे पास सी डी, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स की वजह से होगा जो किसके बराबर होगा फोर्स इनटू ए डी, ए सी भी लिख सकते हैं ए डी भी लिख सकते हैं क्योंकि बात तो एक ही है, इसे सी तक फासला इसे डी तक फासला बराबर है स्ट्रेट डिस्टेंस। अब ए डी तो हमें पता है यहाँ पे किसके बराबर है 10 जमा 15 25, वेट भी हमारे पास है फोर्स हमने फाइंड करनी, सी डी नहीं है हमारे पास। सी डी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है ओ सी डी, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो हम लिख सकते हैं ओ सी स्क्वायर किसके बराबर है ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ओ डी स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर दो, ओ सी की जगह हम क्या लिख देंगे 20 और ओ डी की जगह हम क्या लिख देंगे 15 उसका स्क्वायर, तो 20 के स्क्वायर में 15 का स्क्वायर आप माइनस करो 175 आएगा। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो साथ, तो आंसर आएगा 13.2 सेंटीमीटर, यानी सी डी हमारे पास आ गया। अब ये नंबर 1 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, रेडियस हमने 50 लिख दिया, सी डी की हमने 13.2, फोर्स हमने फाइंड करनी है ए डी आपने 25 लिख दिया, 25 तरफ जाकर भी आ जाएगा डिवाइड इसको अगर आप सॉल्व करते तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 26 न्यूटन। अब चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट न्यूमेरिकल है डायग्राम वाला वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें उसने कहा हुआ है कि हमारे एक स्फीयर, स्फीयर को हमने ना एक जो कील के साथ हमने लटकाया हुआ है, और कील से जो रस्सी आ रही है स्ट्रिंग आ रही है वो कितने एंगल पे, उसने बता दी थीटा एंगल पे, जो
जो 30 डिग्री के इक्वल है। और यहाँ पे इस स्फीयर का जो जिसे हमने दीवार से लटकाया हुआ है उसका वेट कितना है 10 न्यूटन। हमने फाइंड करनी है यहाँ पे इस रस्सी की टेंशन, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी, ये बताना है। और ये बताना है कि स्फीयर को दीवार पे फोर्स लगा ही रहे, दीवार जो स्फीयर पे फोर्स लगाएगी कितनी होगी, डेफिनेटली इक्वल ही होगी, हमने वो कैलकुलेट कर ली है। यानी हमें टेंशन इन स्प्रिंग बतानी है एंड फोर्स एग्जर्टेड ऑन द स्फीयर बाय द होल, दीवार की फोर्स जो स्फीयर पे मन करेगी हमने वो बतानी है। तो इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, पहले टेंशन को रिजॉल्व करते हैं। टेंशन के हम दो कंपोनेंट बनाते हैं, इस एंगल थीटा के लिहाज से, तो थीटा के लिहाज से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस तरह जो कंपोनेंट है किसके बराबर होगा, टी साइन थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा होगा। जिस तरह आप देखें आप ये फोर्स है, फोर्स ये अगर एंगल थीटा बना रही है फोर्स, उसका एक्स कंपोनेंट हम क्या लिखते हैं कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट हम क्या लिखते हैं साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर की तरफ वर्टिकल है साइन थीटा, क्यों था क्योंकि थीटा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ बन गया, लेकिन यहाँ पे थीटा वर्टिकल के साथ बन गया, लिहाजा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कॉस साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा वर्टिकल कॉस थीटा वाला, तो ओरिएंटेशन यहाँ पे डिफरेंट है, समझ आई बात। तो हमने यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट को टी कॉस थीटा कहा क्योंकि यहाँ पे थीटा वर्टिकल एक्सिस के साथ बन गया। अब यहाँ पे आप देखो बाय फर्स्ट कंडीशन इक्वल भी हम कह सकते हैं फोर्स लॉन्ग एक्स एक्सिस 0 होगा, फोर्स लॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगी 0, तो फिर मैं कह सकती हूँ जो टी साइन थीटा फोर्स है लॉन्ग एक्स एक्सिस वो बराबर होगी इस फोर्स के जो स्क्वायर दीवार पे लगा है, टी साइन थीटा वो फोर्स है जो दीवार पे स्क्वायर पे लगाई है, तो स्क्वायर की दीवार पे इतनी फोर्स लगाएगी तो हम कहेंगे ना फोर्स लॉन्ग एक्स एक्सिस की होगी 0, फिर ये दोनों कैंसिल आउट करें, इसी को मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूं। इसी तरह फोर्स लॉन्ग वाई एक्स भी 0 होगी, और लॉन्ग वाई एक्स दो फोर्स समन करेंगे, एक वेट की फोर्स और दूसरी टी कॉस थीटा वाली फोर्स जो अपवर्ड है, इन दोनों का सम 0 का होगा जब ये दोनों भी क्या होगी इक्वल, कॉस थीटा उस तरफ आगे डिवाइड थीटा की जगह 30 पुट कर दें, वेट की जगह 10 डिवाइड किया 11.5 न्यूटन, हमारे पास क्या टेंशन, अब ये टेंशन की वैल्यू कही मान में हम पुट कर देते हैं जिसमें हमारे पास टी साइन थीटा फोर्स है जो लगा रही है दीवार स्फीयर पे, और एफ वो फोर्स है जो स्फीयर की दीवार पर लगा रही है, दोनों इक्वल ही हम यहाँ पे एफ कैलकुलेट करते हैं, समझ लें वो स्फीयर पे लगने वाली दीवार की फोर्स ही बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो 11.5 हम इस टेंशन की जगह पुट कर देते हैं और थीटा की जगह 30 इसमें वैल्यूज पुट करके हम सॉल्व करते हैं, तो फोर्स हमारे पास जो आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी 5.77 न्यूटन, और ये वो फोर्स है जो दीवार एक्सर्ट करेगी ऑन दी स्फीयर। तो आज के इतने इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर।